ओके, जस्ट कमेंट डाउन बिलो कितने लोगों ने अपनी पहले शिप सेकंड शिप से साइन अप किया है, और कमेंट डाउन बिलो जस्ट, और मुझे बताओ कि कैसी रहती साइन अप वाली फीलिंग. यू नो, एक सेकंड ऑफिसर है, सेकंड इंजीनियर है, जो मेरे खास पर्सन, जो मैं उनको गुरु मान रहा हूँ. उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सिखाई ऑन बोर्ड यहाँ पे. वेल, आई रिमेंबर माई फर्स्ट साइन ऑफ. वेल, इट वॉज 9 months, फुल्ली 9 months ऑन एंकरेज एट वन प्लेस. आई नो हाउ इट वॉज माई फीलिंग फॉर माई फर्स्ट साइन ऑफ. एंड आप समझ रहे होगे, 9 months एक जगह पे एंकर पे निकालने के बाद आदमी, और चारों तरफ से समुंदर है. जस्ट इमेजिन. हेलो सर, वेलकम फोक्स. आपने पहले ही बोल दिया क्या? सो यहाँ पे है हमारे सेकंड इंजीनियर साहब, जो कि जा रहे हैं साइन ऑफ कल. हेलो सर. हाय, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फीलिंग है. साइन ऑफ सीमेंस का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, बेस्ट फीलिंग होता है. बेस्ट फीलिंग है, आई नो. और आप तो मतलब एक्सटेंड करके जा रहे हो लाइक कॉन्ट्रैक्ट. 4 महीने का अभी 6 महीने हो गए. दो मंथ्स अपने आप एक्सटेंड कर लिया बोलो तो. इसलिए नहीं, 2 मंथ एक्चुअली क्या हुआ, मेरे को भेजा ना इधर ऑन बोर्ड, तो बोला इसके साथ थोड़ा रह ले, थोड़ा सिखाओ इसको बच्चे को. मेरे साथ 2 महीने एक्स्ट्रा हो गए. सही है, अच्छा हुआ. लेकिन मैं, आप रुक गए, बहुत अच्छा टाइम चला गया, और मेरा भी आपका भी. आई होप. अच्छा. और मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, मतलब बहुत कुछ सिखाया आपने पर्सनली. ये अच्छा इंसान है, इसलिए मैं ज्यादा लाइक कर. अभी मत चढ़ाओ, बस रुको. और बहुत सिखाया मुझे पर्सनली उन्होंने, पकड़ के ये सब चीजें, कैसे काम करते इंजन रूम में, कैसे मशीनरी काम करती है, सब सिखाया. और सब झूठ है. जो भी मेरे कुछ नॉलेज है सब इनकी वजह से है, ऐसा मैं कह सकता हूँ अभी. गुड, क्या कहोगे? He has to go more higher in life. That's my only wish. चलो सर, जाता हूँ. गुड नाइट, रात में मिलते हैं 12 बजे वॉश में. Okay. और है आप एक दिन और रिलीवर, कल आ जाएगा ऑन बोर्ड. दो वॉच आवर में शायद करेगा. हाँ, आज कल मॉर्निंग दोपहर में भी करेगा. कल हैंड ओवर देना पड़ेगा आपको. ओके, हैंड ओवर में नहीं, हैंड ओवर में नहीं, हैंड ओवर है. बोलेगा हैंड ओवर किधर, संकेत है, ऐसा बोलेगा. ऐसा नहीं है, हैंड ओवर देना पड़ेगा आपको. चलो, गुड नाइट. चलो What's up guys, welcome back again. Today is the 7th February 2020 and I completed 2 months on board. 2 months. 2 months before Philadelphia mein land kiya tha. Aur, sorry, take off kiya tha Mumbai se. Aur, Philadelphia mein aaya tha 9 tarikh ko. Aur, ship join kar liya tha. Aapne, I hope, video dekh liya hoga. फिर भी मैं आई बटन में दे दूंगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो मेरे चैनल पे मिल ही जाएगा वीडियो आपको. और इसी तरह 2 महीने ख़त्म हो रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है और बहुत टाइम बाकी है. बाय द वे, अभी तक आपने मेरा रूम नहीं देखा होगा,
सो मेरा कैबिन है ये, काफ़ी बिखरा हुआ है फिलहाल क्योंकि बहुत टाइम के बाद बहुत टाइम हुआ इसको साफ नहीं किया, मतलब 4-5 दिन तो हो गए हैं। सो यहाँ पे कुछ कपड़े, यहाँ पे टेबल, स्टडी टेबल, बेसिन और टॉयलेट अटैच है, कॉमन है। और कुछ शिप में, मोस्ट ऑफ द शिप्स जो कि जापानीज बिल्ड होते हैं वो कंबाइंड टॉयलेट देते हैं फॉर 2 पर्सन, यही टॉयलेट, एक टॉयलेट उधर से भी अटैच होगा उस वाले कैबिन में, ये वाली साइड वाली कैबिन में। सो वो पर्सन वहाँ से एंटर कर सकता है, मैं यहाँ से एंटर कर सकता हूँ। छोटा कैबिन है लेकिन अच्छा है, सेपरेट है। ये अपना गैली है, यहाँ पे खाना बनता है, और ये हमारे चीफ कुक अमित कुमार जो कि अभी अभी ज्वाइन किए एक हफ्ता पहले। और क्या बना रहे आज? भटूरे है भाई, चिकन मोनालिसा एंड छोले है। छोले भटूरे, ओ माय गॉड, बड़े टाइम के बाद छोले भटूरे, थैंक यू वेरी मच। तुम आप स्प्रेड करेगा सर, सॉरी आपको भेज देगा किसको? यूट्यूब पे जाएगा वीडियो, मेरा चैनल है यूट्यूब पे। नो, यू आर प्रमोटेड नाउ, यू कैनॉट ईट। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओह माय गॉड, थैंक यू वेरी मच, सो मच नाइस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। और इनका भी आप, ये भी बहुत टैलेंटेड आदमी है, विगो पे जाके देखो। आपका आईडी क्या है विगो पे? वो नंबर है। तो आपको सर्च कैसे करेंगे? बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं ये, और अमित कुमार सर्च करके देखो एक बार आता है तो, अदरवाइज अमित कुमार सिंह ओके, अमित कुमार सिंह से सर्च करो। जहाँ से सीधा बाहर भी जा सकते हैं पूप डेक पे, सनसेट होने को आ रहा है अभी, वेदर अच्छा हो गया है ऑलमोस्ट। ओपन सी में सनसेट देखने का मजा काफी अलग और काफी अमेजिंग रहता है, और पिछले 2-3 दिन से मैं हर रोज बाहर आ रहा हूँ क्योंकि अभी वेदर अच्छा हो गया है, और यू नो ठंडी भी कम है, चिल है, नॉर्मल वेदर है। तो यू नो इस वेदर में अच्छा लगता है, और इंजन रूम में काम करने से ज़्यादा सनलाइट मिलती नहीं है, तो बाहर सनलाइट में आना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये क्रू मेस रूम है, नोबडी इज हियर, हेलो, गुड एपेटाइट, दिस स्मोक रूम, टीवी रूम, मिथुन भाई कैसे हो? छोले भटूरे आज मजा आ जाएगा, आज तो मजा आएगा। और अभी थोड़ा नीचे जाएगा ना सन, और मस्त दिखेगा एकदम। एनीवेयर वेयर यू लाइक सिट देयर आउटसाइड। गोपी हाउ आर यू? आई एम फाइन, यू? माय स्टमक इज नॉट फुल, आवर इंडियन फॉरेनर इज गॉन। तो काट दो, ये रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्डिंग है सद्य। काफी अच्छा फोटो शूट चल रहा है यहाँ पे, और यार ठंडी लग रहा है ऊपर, ठंडा है। अभी देखो कितना अच्छा सनसेट है, मला दे।
सो ये है हमारा रिक्रिएशन रूम, यहाँ पे पीछे पूरा मैनुअल्स है, यहाँ पे पीछे पूरे मैनुअल्स है। और अभी हम लोग आए स्टडी करने के लिए, मैं और मिथुन। ये है ऑनबोर्ड ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक न्यूजीलैंड के लिए, इसकी स्टोरी मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल क्लास 4 इंजीनियरिंग के बारे में, वेरी सून आई एम प्लानिंग फॉर COC, उसके बारे में मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कैसे क्या कर रहा हूँ। अभी जाके मुझे मुंबई में एक बार कंफर्मेशन लेना है किसी चीज़ों का, तो उसके बाद में कंफर्मेशन मिलने के बाद आई विल मेक अ प्रॉपर वीडियो अबाउट इट। पढ़ाई करते हैं अभी, लेट्स सो पढ़ाई करते हैं अभी। 10 मिनट पहले हम लोग नेटवर्क में बात कर रहे थे जिब्राल्टर में, मतलब जिब्राल्टर से ही पास हो रहे हैं अभी, और 10 मिनट के बाद बाहर आके देख रहा हूँ तो फॉग कुछ दिख नहीं रहा है आगे। और अभी मेरे साथ आए हैं चिपू, यहाँ पे काफी अच्छे फोटो खींच रहे हैं मेरी मोबाइल पे, और ठंडी का मजा ले रहे, रोलिंग का मजा ले रहे हम लोग। ठंडी लग रही थोड़ी ज्यादा। ठंडी ठंडी रे, मिथुन भाई मेरे बाल काटने वाला है काफी, क्योंकि बहुत बढ़ गए बाल और जंगली लग रहा हूँ मैं पूरा, ऐसी साइली मुझे बोल रही है बेटर कट कर लेते हैं बाल अभी। ए इधर 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 ही बैठेंगे, ठंडा नहीं है इधर। ओके तो इसी तरह कट हो गया है, हनी सिंह कट टाइप। जाज पे ऐसे ही छोटे बाल रहना चाहिए तो अच्छा है। अभी तो ठंडी है, ठंडी के कारण तो वाट लगे हुए। इंडिया में जा रहे हैं ना, इंडिया में जा रहे तो पता नहीं, कंफर्म नहीं है। व्हाट्स अप गाइस, टुडे इज 11 फरवरी एंड वी ऑलमोस्ट रीच टू द टर्की। बाल काफी छोटे हो गए हैं, कल बाल काटे लेकिन क्या करें, अभी ज़्यादा ही छोटे हो गए। अच्छा लग रहा है, बताओ मुझे कमेंट में कैसा लग रहा है। एक्चुअली इतने छोटे बाल मैंने एक शिप पे किए थे, दो शिप पहले, लेकिन ये जो माउंटेन दिख रहे हैं आगे बड़े बड़े, ऑलमोस्ट रीच टू टर्की, यहाँ से माउंटेन चालू हो रहा है।